तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइनी प्रिजन एस्केप चैलेंज। नील क्या तू रेडी है भाई? हाँ रेडी हूँ मैं तो। तो ब्लू साइड पे तेरे को अपनी प्रिजन बनानी है एंड रेड साइड पे मैं बनाता हूँ। जल्दी जा भाई, बस 10 मिनट है अपने पास और बहुत ज्यादा तगड़ी बनाना। इतनी तगड़ी प्रिजन बनाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस टाइनी प्रिजन बनाने के लिए मैंने ब्लॉक्स को निकाल लिया है एंड इस प्रिजन में हम लोग 4 लेवल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4 ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो फर्स्ट लेवल होगा वो हम लोग इधर बनाने वाले हैं एंड सेकंड स्टोन आयरन एंड देन गोल्ड। तो गाइस ये टाइनी प्रिजन बनाने के लिए हम लोग को चाहिएगा एक सीक्रेट ब्लॉक जिसका नाम है ये ग्लोब। और जब इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइनी बनेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी। चलो अभी जल्दी से बिल्ड करने के लिए चलते हैं। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं इस ब्लॉक के अंदर आ चुका हूँ और मैं कितना ज्यादा छोटा हो चुका हूँ। हमारे बगल वाली दीवार देखो यार, तुम लोग कितनी ज्यादा बड़ी है। भाई अभी अपन लोग अपनी पहली प्रिजन बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर वॉल्स बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहला ट्रैप बनाने वाले हैं सुनील के लिए। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा लावा यहाँ पे भर दिया है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं वो वाला सीन जो तुम लोगों ने स्क्विड गेम में देखा होगा। सबसे पहले हमें एक स्टिकी पिस्टल लगाना है एंड उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर लगा देना है इस साइड को फेस करते हुए एंड देन हमें इस वाले ब्लॉक को तोड़ देना है और यहाँ इस ऑब्जर्वर के आगे एक स्ट्रिंग लगा देनी है। अभी सुनील जैसे इस ब्लॉक के ऊपर पैर रखेगा ये ब्लॉक नीचे से हट जाएगा एंड सुनील लावा में गिर जाएगा। यही सेम मशीन में अभी इस दूसरी साइड भी बना देता हूँ जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि कौन से वाले के ऊपर पैर रखना है एंड कौन से वाले के ऊपर नहीं रखना है। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पार्कोर सेटअप कर दिया है और ये एकदम अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो अगर सुनील ने एक भी बार गलत ब्लॉक के ऊपर पैर रखा तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा। तो गाइस ये वाला ट्रैप पार करने के बाद सुनील को आना होगा इस जगह पे। तो गाइस इस लेवल पे सुनील को फाइट करना होगा बहुत ज्यादा तगड़े मॉब से। तो गाइस इस वाले ट्रैप को बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक डिस्पेंसर, रेडस्टोन, रेडस्टोन रिपीटर एंड एक छोटा सा बटन। तो भाई इधर पे अपने को डिस्पेंसर लगा देने और इन डिस्पेंसर के पीछे अपने को लगा देना है रेडस्टोन रिपीटर जिसकी हेल्प से इन सबको एकदम अच्छे से पावर मिल जाए। और भाई यहाँ से मैं पूरा रेडस्टोन लेके आता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग तक एंड यहाँ हम लगा देते हैं एक बटन। तो अभी इसको मैं प्रेस करके देखता हूँ ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और गाइस इन डिस्पेंसर के अंदर हम लोग डालने वाले हैं स्केलेटन के स्पॉन एग। तो ओके मैं सारे के सारे डिस्पेंसर के अंदर स्केलेटन स्पॉन एग भर देता हूँ एंड डन। तो गाइस इन स्केलेटन से लड़ने के लिए सुनील को अपने को आर्मर तो देना पड़ेगा वरना भाई ये सारे के सारे स्केलेटन सुनील की हड्डियां निकाल के खा जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सुनील के लिए पूरा का पूरा आयरन का आर्मर, एक सॉर्ड, थोड़ा सा खाना रख देता हूँ जिसकी हेल्प से शायद वो इन स्केलेटन्स को मार लेगा। तो गाइस अपना लेवल 1 पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है, अभी हम लोग चलते हैं लेवल 2 बनाने के लिए। और भाई तुम लोग देखो ये बाहर से देखने में कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, एकदम छोटा सा। और तुम लोग देखो लैडर कितनी छोटी सी दिख रही है। तो अभी जल्दी से हम लोग सेकंड ट्रैप बनाते हैं। तो गाइस इस नेक्स्ट ट्रैप के अंदर हम लोग सुनील को डिसाइड करने के लिए देंगे 2 रूम्स, एक होगा रेड एंड दूसरा होगा ब्लू। तो गाइस मुझे पता है कि सुनील का फेवरेट कलर ब्लू है और वो इसी कलर को सिलेक्ट करेगा, इसीलिए हम इस वाले रूम को बहुत ज्यादा हार्ड बनाने वाले हैं एंड रेड वाले रूम को हम लोग बहुत ज्यादा इजी बनाएंगे एंड यहीं से जाएगा इस लेवल को पार करने का रास्ता। तो गाइस इस रूम को सबसे ज्यादा हार्ड बनाने के लिए मैं इसके फ्लोर को चेंज करने वाला हूँ, वो भी सोल सैंड से, जिसकी वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाए। एंड इसके अंदर मैं स्पॉन करने वाला हूँ 4 ज़ॉम्बीज़। और भाई इन ज़ॉम्बीज़ को मैं एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ वरना ये डिस्पॉन हो जाएंगे। तो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मैं नाम देने वाला हूँ चिरकुट। अभी मैं इन सबको नेम टैग दे देता हूँ एंड डन, ये सबका नाम चिरकुट हो चुका है। अभी हम लोग इस रूम से बाहर निकलते हैं एंड अपना रेड वाला रूम सेटअप करते हैं। और रेड वाला रूम एकदम पीसफुल होना चाहिए तो उसके लिए मैं इसके पूरे के पूरे फ्लोर को ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और अभी हम साइड में एक छोटा सा पॉन्ड बना देते हैं जिससे थोड़ा और ज्यादा पीसफुल फील हो। और भाई अभी इधर बचे हुए एरिया में मैं बोन मील डाल देता हूँ जिससे मस्त मस्त फ्लावर्स उग जाए। और भाई मस्त मस्त फ्लावर्स ग्रो हो चुके हैं जिससे भाई एकदम मस्त वाली लुक आ रही है। और फिर जब सुनील इस स्टोर से बाहर निकलेगा तो वो थर्ड वाले ट्रैप पे पहुंच जाएगा। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं अपना थर्ड ट्रैप और भाई ये सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप होने वाला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वॉल्स बना लेता हूँ। तो यार इस ट्रैप में हम लोग सबसे पहले इसका फ्लोर बनाने वाले हैं वो भी सैंड से। सैंड के बीच में मैं लगाने वाला हूँ बहुत सारे TNT। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये TNT एक्टिवेट कैसे होंगे, तो इन TNTs को एक्टिवेट करने के लिए मैं इनके ऊपर रख दूंगा प्रेशर प्लेट। और अगर उसका गलती से भी इन प्रेशर प्लेट के ऊपर पांव पड़ा भाई ये TNT एक्सप्लोड हो जाएंगे जैसे अभी ये हो गया।
अबे यार तुम लोग को दिखाने के चक्कर में मैंने ही TNT एक्सप्लोर कर दिया, तो मैं इस पूरे के पूरे ट्रैप को सही करता हूँ और फिर तुम लोग से मिलता हूँ। तो गाइस इस ट्रैप की स्टार्टिंग होगी यहाँ से एंड इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ लैंडमाइन। तो लैंडमाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली खाली ब्लॉक्स के अंदर TNT लगाने होंगे और TNT के ऊपर हमें बस प्रेशर प्लेट लग देनी है। जब वो इस ट्रैप को पार करने के लिए आएगा एंड अगर गलती से भी उसने इस प्रेशर प्लेट के ऊपर पैर रख दिया तो भाई ये पूरी की पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाएगी। एंड अगर उसने ये वाला ट्रैप पार कर लिया तो उसे इस रूम के अंदर एंट्रेंस मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी हम लोग एक बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रैप बनाने वाले हैं। तो इस वाले ट्रैप का नाम होगा फाइंड द बटन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बटन लगा देंगे, उसको एक करेक्ट बटन फाइंड करना होगा जिसकी हेल्प से ये वाला गेट खुलेगा और वो इस ट्रैप से बाहर निकल पाएगा। तो यार इतने बटन मेरे ख्याल से काफी होने चाहिए। तो अभी इस डोर को खुलने के लिए हम लोग मैकेनिज्म सेटअप करते हैं। तो मैं इस वाली वॉल के पीछे आ चुका हूँ एंड हम लोग इस डोर को खुलने का बटन रखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बस हमें रेडस्टोन की वायर डालनी है और इस गेट से कनेक्ट कर देनी है। तो अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो गाइस जब सुनील ये वाला बटन दबाएगा तो वो यहाँ से इजीली एस्केप कर सकता है, लेकिन उसे टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर एक सेकंड भी वो लेट हुआ तो ये गेट बंद हो जाएगा। और मैंने इस बटन को बहुत ज्यादा दूर बनाया है जिससे उसको और ज्यादा डिफिकल्टी हो इसको पार करने में। तो गाइस मैं इस वाले ट्रैप को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए ऊपर लावा डालने वाला हूँ। उसके पास टाइम लिमिट रहेगी क्योंकि ये लावा धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और अगर उसने इस बटन को ढूंढने में बहुत ज्यादा देर कर दी तो भाई उसकी चिकन तंदूरी बन जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लास्ट ट्रैप को सेटअप करने के लिए। तो गाइस इस लास्ट वाले ट्रैप में हम लोग सुनील से 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर उसने इन तीनों क्वेश्चन के सही से आंसर दिए तभी वो इस ट्रैप को पार कर पाएगा। तो यार मैंने उससे क्वेश्चन पूछने के लिए बढ़िया वाले हॉल्स बना दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उससे यहाँ पे पूछने वाले हैं, तो क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड होने वाला है। मैं ना उससे अपनी एज पूछने वाला हूँ कि मेरी एज क्या है और देखते हैं वो बता पाता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं साइन बोर्ड पे अपना क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो जो सही वाला ऑप्शन है वो तुम लोगों को पता होगा 17 एंड हम लोग गलत वाले ऑप्शन में रखने वाले हैं 18। तो देखते हैं यार वो सही से बता पाता है या नहीं। अभी मैं इन दोनों रास्तों को हाइड कर देता हूँ जिससे उसको पता ना पड़े कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। और अगर उसने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आगे उसे लावा मिलेगा जिससे वो जल के मर जाएगा। तो यार अपना पहला क्वेश्चन तो सेटअप हो चुका है, अभी हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन सेटअप करते हैं। यार दूसरा क्वेश्चन अपना होने वाला है कि माइनक्राफ्ट का PvP गॉड कौन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यस स्मार्टी पाई एंड हम लोग इसका रॉन्ग आंसर रखने वाले हैं गेमर फ्लीट। तो अभी देखते हैं वो किसको सिलेक्ट करता है। तो यार अपना थर्ड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि माइनक्राफ्ट में सबसे तगड़े रेडस्टोन बिल्ड कौन बनाता है। तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सबसे तगड़े रेडस्टोन बिल्ड रोनी भाई बनाते हैं और दूसरे वाले रॉन्ग ऑप्शन में मैं रखने वाला हूँ चपाती भाई को। तो भाई इसके बाद बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि उसे माइनक्राफ्ट की कितनी नॉलेज है एंड जब वो तीनों के तीनों क्वेश्चन के सही आंसर दे देगा तब उसे मिलेगा एक बहुत ज्यादा तगड़ा गिफ्ट की है ढेर सारे एंचेंटेड गोल्डन एप्पल डायमंड ब्लॉक। और यार मैंने इस चेस्ट की साइड में लिख दिया है कांग्रेचुलेशंस क्योंकि यार इतनी मेहनत से उसने इतने सारे ट्रैप पार किए हैं, एक कांग्रेचुलेशंस तो बनता है। तो अभी हम लोग उसके पास में चलते हैं एंड देख के आते हैं। और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं ये सारे के सारे ट्रैप। एंड अभी मैं सुनील से पूछता हूँ क्या सुनील ने उसके बेस बना लिए। हेलो सुनील, क्या तुमने बना लिए अपने सारे के सारे ट्रैप? मेरे तो बहुत देर पहले ही बन गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हो गया क्या तुम्हारा? हाँ मेरा तो हो गया, मैं आऊँ क्या तुम्हारा ट्रैप देखने के लिए? आ जाओ। ओके सो के टांग तुमने तो यार एक ही बनाया है। अबे एक में ही तुम्हारी आवाज निकल जाएगी, तो देखते हैं कौन किसकी आवाज निकालता है। तो यार हम लोग सुनील के ट्रैप में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे तो इसने पार्कोर बना के रखा हुआ है। क्या चिंदी पार्कोर बनाया है? इसको तो मैं आंख बंद करके पार कर लूंगा। करो देखते हैं। सो गाइस आर यू रेडी? 1 ओ भैंस के टांग भाई, इसने तो आइस लगा रखी है, पांव फिसल रहा है बहुत भयंकर वाला। देखो बच गया यार, मैं अभी लावा में गिर जाता, लेकिन मुझे इतना तो भरोसा है कि ये चिंदी पार्कोर मैं कंप्लीट कर ही लूंगा। लेकिन यार एक सेकेंड, यहाँ पे बस 2 ब्लॉक का गैप है और इसके अंदर मेरे को एकदम संभल के जाना पड़ेगा। तो ओ भाई आ गया, देखा सुनील, बोला था ना इजीली पार कर दूंगा। अरे देखिए भाई तुम तो प्रो निकले यार, मैं तो तुम्हें नूब समझता था। हाँ वो तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ। आगे क्या करना है मुझे जल्दी से ये बताओ। इस साइन बोर्ड के ऊपर मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो शायद से ये कोई क्विज है और इसका क्वेश्चन भी मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों मॉब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो अपना सबसे पहला ऑप्शन है स्केलेटन एंड दूसरा है विदर। भाई ये तो बच्चा बता देगा कि विदर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। भाई सुनील तुमने यार मेरे को लल्लू समझ रखा है क्या, कितने चिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके तो तुमने पिछला वाला तो पार कर लिया बट इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें करना क्या है मुझे ये तो बता। दिमाग तो मैं तब लगाऊंगा जब मेरे को पता होगा कि दिमाग लगाना कहाँ है। जमीन पर देखो कुछ अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे तो शल्कर बॉक्स रखे हुए हैं और भाई सब शल्कर बॉक्स के अंदर मेरे लिए गोल्ड का आर्मर है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी किसी से फाइट करवाने वाला है। क्यों सुनील ऐसी बात है ना? अरे ऋषि भाई तुम तो सब पहले से ही जानते हो। तो यहाँ पे एक और शल्कर बॉक्स है, इसके अंदर भी देखते क्या है। यहाँ पे तो तेरी ऐसी की तैसी, नूब ऋषि लेकर रखा है यहाँ पे।
ज्यादा मुंह चल रहा है अभी क्रिएटिव में, वरना तेरा भूत मैं उतारता। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी प्रेशर प्लेट लगी हुई है और मुझे अबे 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 जानबूझ के धक्का दे दिया। भाई सुनील ये चीटिंग है, जानबूझ के तूने धक्का दिया है, मैं उधर जा भी नहीं रहा था। अबे यार अभी इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए हैं, मैं यहाँ से कैसे बच के निकलूंगा। तो गाइस मेरा दिमाग तो यही कहता है कि इन सारे ज़ॉम्बी से लड़ने से अच्छा है यहाँ से फुर्ती में निकल लेता हूँ मैं। क्या करना है भाई, अरे आस पास देखो, अबे कैसे खोलेगा भाई, चेट क्या बना रखा है यार। ओ भाई जो रीखे भाई हवा निकल गई, हवा क्या निकल गई, तुमने चीटिंग करी है यार। हवा अभी तुम्हारी हवा मैं निकालूंगा, बस देखते जाओ तुम। दिमाग लगाओ, तुम तो प्रो हो ना। अबे यार तुम प्रो के नाम पे मजाक उड़ा रहे हो मेरा। अबे सुनी रही है, इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, इनसे मैं अकेले कैसे लड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। येलो नेदर का आर्मर एंड स्वॉर्ड, और अगर अभी भी तुम इनको नहीं मार पाए तो नूब हो तुम। अबे भैंस की टांग नूब हो, देखना 100-200 ज़ॉम्बी है भाई, मैं तो ऊपर से ही मारने वाला हूं इनको, मैं नहीं जा रहा नीचे। तो नहीं लग रहा इन सबको मारने के लिए बैठा ना, तो भाई अगला साल हो जाएगा, मैं तो ऊपर से निकल के जा रहा हूँ। अबे ये तो चीटिंग है भाई। अरे सब चलता है भाई, तुम जब इतनी सारी चीटिंग कर रहे हो तो ये भी चलता है। तुमने यार ये कैसा लेवल बनाया है, इसको तो बड़े से बड़ा प्रो भी पार नहीं कर पाएगा। अभी सुनील इधर करना क्या है? अब इधर तुम्हारे ब्रेन का टेस्ट होगा, क्योंकि ये एक मेज है और इधर तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। चलो देखते हैं भाई, दिमाग तो मेरे में बहुत ज्यादा है, मैं पार कर पाता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज राइट वे, तो राइट वे चूज करना है, लेकिन इसके अंदर मैं जाऊंगा कैसे, ये तो एक ही ब्लॉक की है। अरे लेकिन इसमें दिमाग कहाँ यार, पिकेक्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये ब्लॉक टूटेंगे और फिर मैं जा पाऊंगा। तुम्हारे पास दिमाग है ना तो करो उसका यूज। अरे दिमाग तो है, कर रहा हूँ यार यूज, बस तुम रुक जाओ। वो भैंस की टांग यहाँ पे तो शल्कर बॉक्स है, वेट इसके अंदर ट्रैप डोर रखा हुआ है, और हाँ आप लोग ट्रैप डोर का यूज करके यहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो अभी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वाले रास्ते पे जाएं। वैसे यहाँ पे दिमाग नहीं बिल्कुल लक काम करेगा, तो भाई मैं इसी वाले रास्ते पे जाने वाला हूँ एकदम सीधे, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एंड ओ भाई साहब ये क्या हुआ भाई, मैं तो बिल्कुल डर गया था, मेरे को लगा ये भी कोई ट्रैप है। और यहाँ पे एक चेस्ट है, मे भी इसके अंदर कुछ बढ़िया वाला सामान होगा। और भैंस के टाइम सुनील मुझे तो लगा था तुम कुछ तगड़ी सी चीज दोगे, तुमने तो रॉकेट चिपका दिए। तो सुनील क्या तुम तैयार हो मेरे ट्रैप्स पार करने के लिए? अरे मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। तो चलो उल्टे घूम जाओ और आग बंद करके आना, देखना नहीं तुम्हें एकदम सरप्राइज मिलने वाला है। भाई ये क्या है, इतने सारे क्यों बना दिए तुमने? चार ही तो हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, मस्त है, मजा आएगा। इसमें तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। अरे पैंट गीली पीली सब हो जाएगी। चलो फर्स्ट वाले ट्रैप के अंदर चलो। तो सुनील तुम्हें ये पार्कोर दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। हाँ तो तुम्हें इस पार्कोर को पार करना है। यहाँ पे दो ब्लॉक है, तुम्हें इसमें से एक करेक्ट ब्लॉक सिलेक्ट करना है। अगर तुमने गलत ब्लॉक के ऊपर पाँव रखा तो वो ब्लॉक हट जाएगा एंड तुम लावा में नहाने लग जाओगे। ओके तो मेरे को बस सामने जाना है, सिर्फ एक जंप और मारनी है। ओके ये क्या है? मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था तुम ही भाई ज्यादा प्रो बन रहे थे। 1 हो गया। ओके 2 ठीक है। ओके 3 ओ बच गए। ओ भाई भाई मौत को चूके टक से वापस आ गया। आई एम प्रो मैन। हाँ देख लिया कितने प्रो हो, एक बार तो नीचे गिर गए। तो गाइस तुम लोग को ना पूरी की पूरी डेथ काउंट करनी है कि सुनील मेरे ट्रैप में कितने बार मरा है और मैं सुनील के ट्रैप में कितने बार मरा हूँ। जो सबसे ज्यादा बार मरेगा वो हार जाएगा। तो अभी ये सीढ़ियों से नीचे उतरो सुनील, अपने अगले ट्रैप के लिए तैयार हो जाओ। और लेकिन यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे करना ज्यादा कुछ नहीं है, इस चेस्ट के अंदर तुम्हें बढ़िया वाला आर्मर टूल्स और थोड़ा सा खाना मिल जाएगा, फिर तुम्हें फाइट करनी होगी स्केलेटन से। ओके तो ये शुभ काम तुम ही करो भाई, इस बटन को दबा दो। ठीक है अभी मैं बटन दबाने वाला हूँ। एंड ओ भाई ये तो 3-3 स्केलेटन आ गए एक साथ। अबे घंटा डैमेज जा रहा है, एक सेकंड में इनको मार जाता हूँ। ये ले। अरे भाई ये तो आपसे में लड़ने लग गए, देखा ना मैं प्रो हूँ। अरे प्रो नहीं, थोड़ी सी सिस्टम में खराबी आ गई थी, वो लोग तो आपस में ही लड़ने लग गए थे। शांति से इधर खड़े हो जाओ, एक और बार होगा ये वाला राउंड। ये 3 बार तुम्हें स्केलेटन्स को मारना होगा, अगर तुमने तीनों बार मार दिया तब प्रूफ होगा कि तुम प्रो हो। भले कितने स्केलेटन है, मैं 7 स्केलेटन को मार दूंगा। ये ले 7 स्केलेटन के बच्चे, आओ तुम्हारी पुंगी बजाता हूँ। ये ठीक है, तुमने ये वाला राउंड तो पार कर लिया लेकिन अगला वाला नहीं कर पाओगे। तो सुनील ये तुम्हारा सेकंड ट्रैप है, इसमें तुम्हें 2 रूम्स दिख रहे हैं, इसमें से तुम्हें एक रूम सिलेक्ट करना है। एंड अगर तुमने करेक्ट रूम सिलेक्ट किया तो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाने का रास्ता मिल जाएगा। ब्लू कलर सबसे अच्छा होता है तो इसी के अंदर रास्ता होगा, तो जाके देख लो फिर। अबे ये क्या, अबे नहीं, अबे ये तो मार रहा भाई मेरे को। अबे मेरे साथ तो स्कैम कर दिया। स्कैम क्या कर दिया भाई, तुमने गलत रास्ता सिलेक्ट किया तो तुम्हारी तो चटनी बननी थी। ये वाला रूम कितना ज्यादा अच्छा है, उस वाले रूम में तो तुमने ज़ॉम्बी भर लगे थे। तो भाई तुम्हारे स्वागत के लिए ज़ॉम्बी नहीं भरूं तो और क्या भरूं, चलो अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो सुनील यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा थर्ड ट्रैप। एंड यहाँ पे तुम्हें नीचे जमीन में कुछ दिख रहा है? हाँ कारपेट लगी हुई है भाई। कारपेट नहीं है,
है ये प्रेशर प्लेट है, अगर तुमने गलती से भी उसके ऊपर पैर रख दिया तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। ओ तो चलो जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक तो तुमने इतनी सारी अगल बगल में प्रेशर प्लेट लगा रखी है, इसमें से एक भी मेरा पैर चला गया ना तो ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। हो गया, बोला था ना मैं चुटकियों में कर लूंगा। ओ भाई सुनील, मुझे लगा नहीं था तुम पार कर पाओगे लेकिन तुमने कर लिया है। तो चलो अभी नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। इसमें करना क्या है? ऊपर लावा है और आसपास सारे बटन ही बटन है। देखो इसके अंदर तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें एक राइट बटन ढूंढना है जिससे ये वाला गेट खुल जाएगा एंड तुम यहाँ से एस्केप कर जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास रहेगी टाइम लिमिट क्योंकि ये लावा भी जल्दी जल्दी नीचे आता रहेगा। भाई मुझे नहीं पता तुम इतना दिमाग कहाँ से लाते हो, बट अच्छा बनाया तुमने। तो चलो अभी मैं इस ट्रैप को स्टार्ट करता हूँ। ओ भाई ऊपर से लावा आ रहा है, मेरे को जल्दी से बटन ढूंढना पड़ेगा। लावा आ रहा है जल्दी करो वरना तुम्हारी तंदूरी बन जाएगी। एंड मिल गया, मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ। और ओ भाई क्या तुम सही टाइम पे बाहर निकले हो, मुझे लगा नहीं था तुम इस ट्रैप को भी पार कर पाओगे इतनी जल्दी। चलो अभी अगले लेवल पे चलते हैं। तो सुनील ये है तुम्हारा फोर्थ और लास्ट लेवल। तुम्हारे से इसके अंदर 3 सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से तुम्हें एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर तुम 3 आंसर सही देते हो तो तुम ये गेम जीत जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋषि की एज क्या है, और अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें तो पता ही होगा मेरी एज कितनी है क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। वैसे तुम्हारी एज मुझे याद नहीं है बट तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो तो 17 होनी चाहिए। ओ भाई करेक्ट आंसर। सुनील तुमने तुक्का लगाया है, मेरे को लगा नहीं था कि तुम तुक्का लगाओगे, मेरे को लगा था कि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें मेरी एज पता होगी। अरे मैं भूल गया था, मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं रहता। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है कि माइनक्राफ्ट का पीवीपी गॉड कौन है, यस मार्टी पाई या फिर गेमर फ्लीट। मैं तो यस मार्टी पाई की वीडियो ज्यादा देखता हूँ तो मेरे ख्याल से यस मार्टी पाई पीवीपी गॉड है। ओ ये वाला भी करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना ये तुम बिल्कुल करेक्ट नहीं दे पाओगे। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट रेडस्टोन बिल्ड कौन बनाता है, चपाती भाई या फिर रोनी भाई। इसका तो मुझे पता नहीं है बट मुझे चपाती भाई अच्छे लगते हैं तो मैं चपाती भाई को चूज करूंगा। ठीक है चपाती भाई मैं आ रहा हूँ। वेट एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैं जल रहा हूँ भाई, मैंने यार गलत चूज कर लिया यार। और नहीं तो क्या, चपाती भाई कब से रेडस्टोन बिल्ड बनाने लग गए, ये तो रोनी भाई बनाते थे, वीडियो नहीं देखते क्या उनकी। ओके तो मेरे को अभी पता चल गया उधर ट्रैप है तो रोनी भाई सही आंसर है, तो रोनी भाई की तरफ चलते हैं हम। ये क्या कांग्रेचुलेशन, मैं जीत चुका हूँ। यस तुम जीत गए हो, तो बताओ सुनील तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जीत के? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ ठीक है अब तुम उस गार्डन में सो जाना लेकिन उससे पहले इस चेस्ट में से अपना प्राइज ले लो। ओके क्या दिया है तुमने वैसे मेरे को? ओ भाई इतना सारा सामान, भाई तुमने तो मेरे को रातों रात अमीर बना दिया भाई, थैंक यू ऋषि भाई। भाई इतना ज्यादा सामान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ओके थैंक यू ऋषि भाई मेरे को इस बिल्ड बैटल चैलेंज में बुलाने के लिए, और गाइस जाके जल्दी से ऋषि भाई की 2 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। बोई बोई।